रैन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में नागबौली एरिया में कॉर्डन सर्च प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। इस कॉर्डन सर्च प्रोग्राम में 170 से अधिक ऑफिसर और मैन ने पार्टिसिपेट किया। इस पूरे प्रोसेस के दरमियान 100 से ज़्यादा टू व्हीलर्स के पास सही कागजात नहीं होने की वजह से उनको अप्रीहेंड किया गया। उसी तरह से 6 राउडी सीटर्स को भी चेक किया गया। आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस का कॉर्डन सर्च प्रोग्राम पुलिस और पब्लिक के बीच में ताल्लुकात मजबूत करने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए है। आपको जो भी तकलीफ़ हो, अगर पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है तो हम उसकी तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, फौरी कार्रवाई करेंगे, और अगर दूसरे डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है तो भी हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट को आपके परेशानी की इत्तला देंगे और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो जाए। साथ ही साथ अब इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है तो हमारे इस तरह के कार्यक्रम से हम ये भी करना चाहते हैं कि पब्लिक को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर को फील करें और अपने वोटिंग राइट्स का खूब खुल के 100% आप वोटिंग करें। ये भी मेरा आप लोगों से गुजारिश है। साथ में मैं इस मौके का उपयोग इस मामले में भी करना चाहूँगा कि CCTV कैमरा, जो हमारे सिटी पुलिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और उसी की मदद से हमको हैदराबाद को सेफेस्ट सिटी बनाने का भी एक अवार्ड मिल रहा है। कई बार बड़े बड़े जो सर्वेज हैं उसमें हैदराबाद को सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने लेवल पर भी यूज़ करें, CCTV कैमरा इंस्टॉल करें, पुलिस को इसकी इत्तला दें और किसी भी तरह का क्राइम को होने से पहले ही रोकने में हमारी मदद करें। थैंक यू। बोले तो అనిల్ అనిల్ सर मजे में आओ ले रहा हूँ।